नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सत्र 2024 के जो कक्षा छठी और कक्षा नौवीं के लिए आवेदन फॉर्म फिल किए थे उनकी जो परीक्षा है, परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। हम घर बैठे फ्री में कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सत्र 2024 के जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो कक्षा छठी और कक्षा नौवीं के जो आवेदन फॉर्म फिल किए थे उनके जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र आ चुके हैं। हमें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए aisee.ntaonline.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के कक्षा छठी या कक्षा नौवीं के प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सके। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था जिस भी छात्र का, उसका जो रसीद आपने प्रिंट निकाल के दी थी उस पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देना है और जो भी छात्र छात्रा की जन्मतिथि वो देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो भी एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है दोस्तों रोल नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसके बाद में कैंडिडेट का नाम यानी कि छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी, उसके बाद में छात्र छात्रा की जन्मतिथि दिखेगी, इधर फोटो दिखेगी और जो आवेदन करते समय फोटो और सिग्नेचर दिया था वो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर दोस्तों टेस्ट डिटेल यहाँ पर शो होगी, तो जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मीडियम शो होगा, जिसमें आपने आवेदन किया था, जिस मीडियम से आपने परीक्षा देनी है वो मीडियम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिखेगी कौन सी तारीख को, यानी कि 28/1/2024 को इसकी परीक्षा होनी है 28 जनवरी को। उसके बाद में टेस्टिंग जो टाइम है वो टेस्ट का वो एग्ज़ाम का टाइम यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में टेस्ट डिटेल पुनः दिखेगी जिसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम दिखेगा, कब हमें सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद में गेट क्लोज होने का टाइम यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद में स्टेट दिखेगा, जो एग्ज़ाम की स्टेट है वो दिखेगा, उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर नाम यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये दोस्तों आपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर लिया था परीक्षा फॉर्म फिल करते समय उसमें जो भी एग्ज़ाम सेंटर दिया था वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में टेस्ट सेंटर कोड और नाम यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का नाम और उसका कोड दिखेगा और उसके बाद में जो परीक्षा केंद्र है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है टेस्ट एडमिशन यानी कि जो परीक्षा केंद्र की जानकारी वो यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी सिग्नेचर कैंडिडेट के लेफ्ट थंब इंप्रेशन पेरेंट्स सिग्नेचर यहाँ पर करना है और कैंडिडेट के सिग्नेचर करना है और उसके बाद में कैंडिडेट की फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंस इंट्रक्शन है ये भी आपको पढ़ लेना है, तो आप ये पढ़ ले। ये जो इंट्रक्शन है दोस्तों आपको OMR सीट भरने संबंधी और परीक्षा संबंधी जानकारी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जो भी उचित लगे उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर हमें सबसे ऊपर आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर प्रिंट पर क्लिक करें और इसकी प्रिंट निकालें। प्रिंट आप दो सेट में निकालें, अपने पास सुरक्षित रहेगी और आप जब एग्ज़ाम पर जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पर तो उस समय दोस्तों आपका जो है दो एडमिट कार्ड आपको तैयार कर लेना, दो एडमिट कार्ड आपको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेनी है और दोनों को आप कंप्लीट कर लेना ताकि एक गुम होता है तो दूसरा आपके पास अवेलेबल हो सके। तो यहाँ पर प्रिंट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी रंगीन प्रिंटर है तो रंगीन निकाल ले, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट है इसकी प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में जो परीक्षा का समय, परीक्षा की तारीख और जो आपको एग्ज़ाम सेंटर और उसका पता दिया गया है उसके अनुसार आपको जो है उस तारीख को उस समय पर आपको जो अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है और इसकी जो भी एग्ज़ाम है वो आपको एग्ज़ाम देनी रहेगी। तो दोस्तों ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो सत्र 2024 के जो कक्षा छठी और कक्षा नौवीं के आवेदन फॉर्म भरे गए थे प्रवेश के लिए वो उसके जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आप इस तरीके से घर बैठे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।